लंच टाइम। भूख किसे लगी है? सबके लिए काफी खाना है। आराम से स्वीटी। ये रहा तुम्हारे लिए। ठीक है मिस्टर पिकी पैंट्स, तुम जीते। गाजर, पालक और एप्पल्स, यम यम यम। क्या? लेकिन तो फिर तुम क्या खाओगे? मुझे पता नहीं मैं ये बना भी सकती हूँ या नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम भूखे रहो। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें एक स्वादिष्ट को? मैं तुम्हारी स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ। चलो देखते हैं। एस्पेरिगस। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से तुम मेरे आगे खड़े हो गए। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलती हुई है। देखो मैं यहाँ पहले आई थी। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जानती हूँ। अच्छा। माफ कीजिएगा सर। बोलो क्या बात है? शायद आप लाइन तोड़कर मुझसे आगे खड़े हो गए। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो पहले ही आगे खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे ख्याल से आप मुझसे आगे आकर खड़े हो गए। नहीं कोई बात नहीं, मैं पहले ही तुम्हारे आगे हूँ। हाँ मैंने देखा। तुम पीछे हटोगे? तुम मेरे पर्सनल स्पेस में खड़ी हो। लेकिन सीरियसली, क्या तुम्हें एस्पेरेगस की इतनी जरूरत है? ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फ्लटरशाई, सबको तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी से भी बड़ी बात है, ये डबल बड़ी है। तुम एक ऐसी पोनी हो जिसे प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ओह जरूर पिंकी, पहले तुम। हाँ यही यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें सीधी पोनी बनना बंद करना पड़ेगा। सीधी पोनी? एक आसानी से मान जाने वाली पोनी। तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी होगी। वादा करो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ओह अच्छा, ओह ठीक है, कोई बात नहीं। देखो और सीखो। वहीं रुक जाओ मिस्टर स्मॉल एंड हैंडसम। कौन? मैं? हाँ तुम और कौन? क्या तुम्हें पहले कभी किसी पोनी ने हैंडसम नहीं कहा? सोचने दो, नहीं कभी नहीं। वेल, उन्हें कहना चाहिए। जरा मेरे लिए एक बार अपनी मसल्स तो दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम स्टैलियन मेरी दोस्त का ये आखिरी एस्पेरेगस दे सकता है? देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। शायद नहीं। तो फिर ठीक है, तुम्हारी लिस्ट में और क्या है? देखते हैं, मुझे टमाटर भी चाहिए। ये लो। इनके हुए दो बिट, ना कि एक। पर पिछले हफ्ते इसकी कीमत एक बिट थी। वो तब थी, लेकिन ये अब है। ओह ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। ये तुम क्या कर रही हो? मेरा काम मुझ पर छोड़ दो और खुद का काम देखो, समझी? इतने से टमाटरों की दो बिट्स, इसकी सही कीमत एक ही बिट है। मैंने कहा दो बिट्स। एक बिट, दो बिट्स, एक बिट, दो बिट्स, एक बिट, दो बिट्स, दो बिट्स, एक बिट, दो बिट्स, एक बिट। मैं आखिरी बार कह रही हूँ दो बिट्स नहीं तो मैं चली। मेरा आखिरी ऑफर है एक बिट। जैसे तुमने कहा ये रहा एक बिट। देखा तुमने, ये कितना आसान था। मेरे ख्याल से तुम सही हो। तो फ्लटरशाई, क्या तुम अब कोशिश करना चाहोगी? ठीक है, मुझे वो चेरी चाहिए। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चेरी बची है। मैं एक स्पेशल मील बना रही हूँ अपने बनी एंजल के लिए और वो बहुत ही नखरे वाला है। ये लो। तो तुम्हें इस चेरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों? ओ हाँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो फिर इसकी कीमत है 10 बिट्स। 10? Hey, Mr. Handsome, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही काम ही करोगे, क्योंकि तुम हैंडसम और स्ट्रांग हो और स्ट्रांग पोनीज के साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं। चेरी के 10 बिट्स। एक चेरी के लिए 10 बिट, ये तो सरेआम लूट है। मैं तो तुम्हें इसके बस
11 बिट्स? मेरा मतलब 9 बिट्स। एक मिनट रुको। ठीक है 12 बिट्स, पर ये मेरा फाइनल ऑफर है। मेरे ख्याल से तुम कंफ्यूज हो गई हो। 12 बिट्स मंजूर है या नहीं? ठीक है, मेरे लिए अच्छा ही है। उसे पैसे मत दो, एक चेरी की कीमत 12 बिट्स नहीं हो सकती। पर मैं तो वही कर रही थी जो तुमने किया था। ये अच्छी कोशिश थी, पर तुम्हें इसे अपनी मेहनत के पैसे नहीं देने चाहिए। पर मैं एंजल को भूखा भी नहीं रहने दे सकती, जब तक मैं इसे ठीक से ना बना लूँ वो नहीं खाएगा। मुझे वो चेरी चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसी बात है तो 20 बिट्स। 20? पर मेरे पास इतने तो नहीं है। फिर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। इस चेरी के 2 बिट्स। ठीक है, अच्छी कोशिश थी बच्ची, अगली बार इतनी भोली मत बनना। टडा, ये लो एंजल, माफ करना इसके ऊपर चेरी नहीं है, पर बाकी पूरी डिश ठीक वैसे की वैसी ही है। एंजल, जरा देखो मुझे, मैं सच में बहुत भोली हूँ। इच्छा शक्ति से भोले लोग भी बन सकते हैं होशियार। मन की बात सेमिनार आज होने वाली है हेज मेज सेंटर में। सेलेस्टिया की कसम, मैं अब किसी को भी खुद के आगे नहीं निकालने दूंगी। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है आनवेल और आज आपकी नई जिंदगी का पहला दिन है। अगर आप दूसरों के धक्के खाकर थक चुके हैं तो मेरे साथ आ जाइए। ताली बजाइए अगर आप भोलेपन की वजह से परेशान हो चुके हैं। ताली बजाइए अगर आप इस सेमिनार पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। क्या मजाक कह रहा है ये? ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, आयरन विल को पूरा विश्वास है कि असर्टिवनेस टेक्निक से 100% लोग सेटिस्फाइड होंगे, और अगर नहीं हुए तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है। पर मुझे दया आती है उस मूर्ख पर जिसे आयरन विल के तरीकों पर शक है। क्या तुम्हें है? ओह नहीं। तो ये था मेरे दोस्तों मेरा पहला सबक, शर्माइए मत, उनकी आंखों में देखिए। और अब देखने के लिए कि आयरन विल के तरीके सच में काम करते हैं या नहीं, मुझे जरूरत होगी एक वॉलंटियर की। आइए सबसे पिछली रो से। कौन मैं? हाँ आप, आयरन विल चाहता है कि आप स्टेज पर आए। अभी ओ, तो वो तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, तुम इससे कैसे निपटोगी? शांति से उसके पीछे निकलकर? नहीं। धीरे से उसके पास से निकलकर? नहीं। घर जाऊंगी और कल ट्राई करूंगी। नहीं, जब कोई बॉनी करे तुम्हें ब्लॉक तो दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। माफ करना। मत मांगो माफी, बल्कि सीखो दूसरों की गलती के लिए कभी माफी मत मांगो। क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? अब तुम भी करो। अगली बार मेरे रास्ते से हट जाना इससे पहले कि मैं तुम्हें टक्कर मार दूं, क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी, समझ गए? देखा दोस्तों, अगर मेरी टेक्निक्स इस शर्मीली पोनी के काम आ सकती है तो फिर वो किसी के भी काम आ सकती है। रहा है, मैं दिन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ जैसा कि आयरन विल कहता है। माफ करना मिस्टर ग्रीन।
ख्याल से आप मेरे पेटियोनिया को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं। ये काम तुम प्रोफेशनल्स पर ही छोड़ दो। मुझे एक बार फिर टालने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए टल जाओगे। Well, शायद इतना पानी काफी है। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा इससे काम बन गया। शो पोनी बिजनेस बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अपना कोई जोक मुझ पर ट्राई करो, मुझे सब पर हंसी आती है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक गधा और एक खच्चर एक सुनसान आइलैंड पर फंस गए थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी कार्ट हटा लेंगे ताकि मैं निकल सकूं? हाँ हाँ, बस एक मिनट में अपनी कहानी पूरी कर लो। हाँ, तो गधा खच्चर से कहता है कि क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? हाँ हाँ, एक मिनट। तो गधा खच्चर से कहता है कि जब कोई करे आपको ब्लॉक, दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। और फिर खच्चर, ओह आराम से करो, हम जा रहे हैं ना। गुड। अगला कौन है और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे ख्याल से शायद 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 से काम नहीं चलेगा। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वही चली जाओ। हे, जरा देखो, तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत ही बहादुरी वाला है, बहुत ही शानदार। लगता है उस मॉन्स्टर की वर्कशॉप वाकई काम कर रही है। आयन मिल कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक मिनिटर है और एक सच्ची प्रेरणा। उनकी टेक्निक्स वाकई काम करती हैं। वेल, उनकी वजह से तुम्हारे अंदर काफी बदलाव आ गया है, तुम एक बिल्कुल नई फ्लटरशाई बन गई हो। हाँ सही कहा, और नई फ्लटरशाई अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल, पुरानी पिंकी बाई को नई फ्लटरशाई पर बहुत गर्व है, बिल्कुल इस पिंक पंच की तरह। तुम लेना चाहोगी? तुम मुझ पर हंसी, मुझे पसंद नहीं आया। बाय गर्ल्स। कितना अच्छा दिन है। टैक्सी। ओ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी पोनी नई फ्लटरशाई से पंगा नहीं लेगा, कोई नहीं। पुरानी पिंकी पाई को नहीं लग रहा कि ये नई फ्लटरशाई वाला आइडिया इतना अच्छा है। पुरानी रैरिटी को भी यही लगता है। तुम ये कर सकती हो न्यू फ्लटरशाई, आज का दिन तुम्हारा दिन है और कोई भी पोनी इसे तुमसे छीन नहीं सकती। मैंने सही कहा ना? हाँ। क्या? उसने गलत खत डिलीवर किया है फिर से? नहीं, फ्लटरशाई नहीं चाहती कि उसके कॉटेज पर गलत खत पहुंचाया जाए। ओह, क्या मैंने उन्हें फिर से मिक्स कर दिया? माफ करना मुझे। तुम माफी मांगोगे, मैं सजा दूंगी। एक्सक्यूज मी, आप बता सकती हैं पोनीविल टावर कैसे जाते हैं? हाँ जरूर, आप। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझसे कुछ पूछा, मुझे आ गया गुस्सा। फ्लटरशाई, तुम क्या कर रही हो? ये बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं उसने नई फ्लटरशाई के साथ क्या किया, और उसे लगा कि वो फ्लटरशाई को यूं ही टाल सकता है? नहीं स्वीटी, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हम सब ने देखा। लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। क्या तुम चाहती हो नई फ्लटरशाई पुरानी फ्लटरशाई की तरह बेचारी बन जाए? पर पुरानी फ्लटरशाई अब जा चुकी है। नई फ्लटरशाई, पुरानी फ्लटरशाई, लेकिन अच्छी फ्लटरशाई को क्या हुआ? हमें वो फ्लटरशाई वापस चाहिए। नहीं, तुम्हें कमजोर फ्लटरशाई चाहिए, तुम्हें आसानी से रास्ते से हट जाने वाली फ्लटरशाई वापस चाहिए, तुम्हें शिकायत नहीं करने वाली फ्लटरशाई चाहिए। फ्लटरशाई की गिनती बढ़ती जा रही है, कोई इसे रोको। क्या तुम्हारे छोटे दिमाग के लिए ये बात बहुत बड़ी होती जा रही है पिंकी पाई? अब बस भी
भी करो। इस बातचीत में हमें एक दूसरे की बेकार में बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? मुझे लगा बेकार शब्द से तुम्हारा पुराना रिश्ता है रैरिटी। फैशन को लेकर तुम्हारी बेकार की चिंता है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। फैशन उसका पैशन है। और तुम्हारा पैशन क्या है? बर्थडे केक, पार्टी हैट्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पोनीवेल के दो सबसे बेकार पोनीज नई फ्लटरशाई को सिखा रही है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए, जबकि वो खुद अपनी जिंदगी बेकार चीजों के पीछे भागकर बर्बाद कर रही है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। लगता है पागल फ्लटरशाई हमेशा यही रहेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा उस मॉन्स्टर आयनविल ने तुम्हें क्या बना दिया है। आयनविल कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक मैनेजर है। मॉन्स्टर तो मैं हूँ। फ्लटरशाई, क्या तुम वहाँ अंदर हो? ये हम हैं, पिंकी और रैरिटी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि सन की फ्लटरशाई जाग जाए। ओह स्वीटी, हम कल के लिए माफी मांगना चाहते हैं। तुम्हारी गलती है। पिंकी सही कह रही है, ये सारी मेरी गलती है, पर चिंता मत करो, मैं दोबारा कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाली। सारी पोनी सुरक्षित रहेंगी अगर मैं और मेरी बदतमीजी यहाँ बंद रहे। स्वीटी, जो हुआ उसके लिए मैं और पिंकी तुम्हें दोष नहीं दे रही, तुम्हें बस उस आयनविल कैरेक्टर ने थोड़ी सी बुरी सलाह दी थी। हाँ, उसी की वजह से तुम पागलों की तरह बिहेव कर रही हो। मेरा मतलब है कि चिल्लाने के अलावा अपनी बात कहने के और भी कई तरीके हैं। हाँ, तुम अपनी बात दूसरों को बुरा महसूस कराए बिना कह सकती हो। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। जब भी मैं अपनी बात सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं एक मॉन्स्टर बन जाती हूँ। ओह स्वीटी, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। नहीं, पर वो है। आयनविल है मेरा नाम, पोनीज को ट्रेन करना है मेरा काम। कितनी अच्छी कैच फ्रेज है। तुम्हारी दोस्त फ्लटरशाई को आयनविल की बातें पसंद आईं। मैंने सुना है कि वो अब किसी भी पोनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी फी लेने के लिए। फ्लटरशाई उस बदमाश से मिलने की हालत में नहीं है। मुझे यकीन है तुम जैसे एक बड़े बहादुर ताकतवर और अमीर मॉन्स्टर, मेरा मतलब मेंटोर को अभी इस वक्त उस पैसे की जरूरत नहीं है। तुम बाद में वापस आ सकते हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? फ्लटरशाई को पहले ही पैसे दे देने चाहिए थे। मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। कुछ करो। हमें नहीं पता फ्लटरशाई इस वक्त घर पर है भी या नहीं। हो सकता है वो अभी जंगली जानवरों के साथ घूमने गई हो। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि हम उसे ढूंढ सके। लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी है। बोल देना मैं दोपहर में वापस आऊंगा। पर ये तो बस आधा दिन हुआ, हमें एक पूरा दिन चाहिए कम से कम। मैं सिर्फ आधा दिन ही दे सकता हूँ, पूरा दिन नहीं। एक पूरा दिन। आधा दिन। पूरा दिन। आधा दिन। आधा दिन। पूरा दिन। हमें आधा दिन चाहिए, उसे एक मिनट भी ऊपर नहीं। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ पूरे दिन दे सकता हूँ। ओकी डोकी, कल मिलते हैं। एक मिनट, क्या कहा मैंने? लगता है तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयनविल अभी पैसे लेगा। हमारी बात हुई थी, तुम्हें कल वापस आना होगा। जब कोई करे तुम्हें ब्लॉक, दिखा दो उन्हें कि यू रॉक। तुम्हारा पेमेंट बाकी है फ्लटरशाई। तुम सीधी साधी और भोली भाली हुआ करती थी, और मैंने तुम्हें एक बहादुर मीन मशीन में बदल दिया है। अब आयनविल को उसकी फीस वापस दो। नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। ओह, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, क्योंकि आयनविल को जल्दी ही उसकी फीस नहीं मिली तो वो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। जितना मुझे याद है, तुमने अपनी वर्कशॉप में वादा किया था कि 100% सेटिस्फेक्शन ना मिले तो फीस देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं सेटिस्फाइड नहीं। क्या मतलब तुम 100% सेटिस्फाइड नहीं हो? हमेशा हर एक पोनी सेटिस्फाइड हुई है। वेल, मेरे ख्याल से फिर मैं पहली हूँ, पर अब जबकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं फीस नहीं देने वाली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हुई हो? क्योंकि शायद हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मेरा मतलब, हम दोनों ही समझदार हैं, क्यों है ना? मैं माफी
माफी चाहती हूँ, पर ना मतलब ना। ना मतलब ना, हाँ। मुझे आज तक किसी भी पोनी ने ऐसा नहीं कहा। मैं इसे याद रखूंगा। ये कैच फ्रेज मेरी अगली वर्कशॉप के लिए काम आएगी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने उस मॉन्स्टर का डट कर मुकाबला किया। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम वही पुरानी फ्लटरशाई हो जिसे हम हमेशा से पसंद करते आए हैं और जिसे हमने बहुत मिस किया। चिंता मत करो, पुरानी फ्लटरशाई अब लौट आई है। मेरी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, कभी कभी मुझ जैसी शर्मीली पोनी के लिए अपनी बात कह पाना बहुत मुश्किल होता है, और अब जब मैंने कोशिश की, मैं एक ऐसी पोनी बन गई जो खुद मुझे ही पसंद नहीं आई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अपनी बात कहने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है।